इसे बनाने के लिए मैंने लिए है एक ब्रोकोली, कुछ मशरूम्स, एक लाल कैप्सिकम, एक पीला कैप्सिकम, थोड़ा बहुत स्वीट कॉर्न और एक पत्ता गोभी। कैप्सिकम को हम क्यूब्स में काट लेंगे। यहाँ पर हमने आधा आधा कैप्सिकम लेंगे क्योंकि ये वन सर्विंग के लिए बन रहा है। ब्रोकोली से हम करीब 5-6 फ्लोरेट्स काट लेंगे, इस तरह। ये देखिए, मशरूम का छिलका निकल करके हम इसे साफ कर लेंगे। छिलका निकल जाने के बाद मशरूम बिल्कुल सफ़ेद और बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए, अब हर एक मशरूम को हम दो टुकड़े में काटेंगे, इस तरह। कटी हुई मशरूम्स को हम 2 मिनट के लिए पानी में उबाल लेंगे। पानी में हम थोड़ा नमक डाल देंगे। नमक पानी में ही हम मशरूम को उबालेंगे। इसमें मशरूम के अंदर जो स्मेल है वो निकल जाता है। अब मशरूम्स को हम छान करके अलग से रख देंगे। गैस पर एक पैन में पानी चढ़ाएंगे और उस पर एक छलनी रखेंगे। छलनी में हम कटी हुई ब्रोकोली फ्लोरेट्स और स्वीट कॉर्न ऐड कर देंगे। ब्रोकोली में थोड़ा सा नमक छिड़क देंगे, तो आप स्वीट कॉर्न भी ऐड कर देंगे। अब छलनी को हम ढक देंगे और 2 मिनट के लिए इसे स्टीम करेंगे। अब हम थोड़ा सा पत्ता गोभी काटेंगे, इतना सा। ये देखिए, पत्ता गोभी का पत्ते को हम इस तरह अलग कर देंगे, खोल देंगे। 2-3 मिनट बाद हम ब्रोकोली और स्वीट कॉर्न को एक बार चम्मच से स्टेयर कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को कैप्सिकम से थोड़ा ज़्यादा स्टीमिंग का ज़रूरत है, इसलिए 2 मिनट बाद हम कैप्सिकम ऐड करेंगे। कैप्सिकम का कुकिंग टाइम कम है, कैप्सिकम बहुत जल्दी पक जाता है। हमें इधर वेजिटेबल्स को पकाने नहीं हैं, सिर्फ अच्छे से स्टीमिंग करना है। पत्ता गोभी से हम जो पत्ते काटे थे उसे नमक पानी में हम सिर्फ 1 मिनट के लिए उबाल लेंगे। 1 मिनट बाद हम गैस बंद कर देंगे और पत्ते को पानी में से निकाल लेंगे। पत्ता गोभी को हम एक छलनी में रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाए। इधर स्वीट कॉर्न, ब्रोकोली, कैप्सिकम का स्टीमिंग हो गया है, गैस बंद कर देंगे। हम इसे टोटल 5 मिनट के लिए पकाए हैं, ब्रोकोली और स्वीट कॉर्न को 3 मिनट और कैप्सिकम को सिर्फ 2 मिनट। स्टीम्ड वेजिटेबल्स को अब हम एक मिक्सिंग बोल में डाल देंगे। इसमें मशरूम भी ऐड कर देंगे, साथ में पत्ता गोभी भी ऐड कर देंगे। अब इस मिक्सिंग बोल में 1 बड़ी चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड कर देंगे। इसके साथ फ्रेशली क्रश्ड काली मिर्च भी ऐड कर देंगे, करीब आधी छोटी चम्मच। सब एक साथ 2 चम्मच से मिक्स कर देंगे। अब इस सलाद को हम 2 तरीके से सर्व कर सकते हैं। एक प्लेट को इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे और मिक्सिंग बोल को इस प्लेट पर पलट देंगे, इस तरह। ये देखिए, अब बोल को हम हटा लेंगे और अब हमारा ये सलाद सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार। लग रहा है ना, ये बहुत ही टेम्प्टिंग। ये जितना हेल्दी है उतना ही टेस्टी है। सारे वेजिटेबल्स का स्वाद है इसमें, हार्डली कोई सलाद ड्रेसिंग है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इसी सलाद के बीच में जगह बना लें, ग्रिल्ड फिश या ग्रिल्ड चिकन ऐड कर दें। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का रेसिपी। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग माई मस्त किचन।